अधिक भोजन करने वाला कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। और बड़ी विचित्र ये जिभ्या है, ऊब गए भगवान। रोज से पवाओ, लेकिन रोज नए नए पदार्थ, पेट बढ़ता चला जा रहा है, मांस पेशियां बढ़ती चली जा रही, कब्ज बढ़ती चली जा रही है, और जिभ्या खाते खाते बूढ़ी होने जा रही, फिर भी और खाओ और खाओ, पता नहीं कब तक खाओ खाओ खाओ, पूरे अनंत जन्म व्यतीत होते जा रहे खाते। रोज रोज विचार, नए विचार, आज ऐसा हो तो आज ऐसा हो, आज इसका चिल्ला हो तो आज उसका, मतलब पूरा बैठे बैठे अष्टयाम सेवा का चिंतन नहीं होता, होता है कि आज कौन से कौन पदार्थ पाए जाए। ये रसेंद्री है, भोजन पर साधक ध्यान दे, नहीं तो आनंद का जो विषय मन की प्रसन्नता है वो आप नहीं धारण कर पाएंगे। बोले हित परमित भोजी, थोड़ा सरल स्वाद रहित स्वास्थ्य वर्धक सतोगुणी भोजन पाया जाए, पर है बहुत कठिन। दो तीन दिन अगर ऐसा उबला पाए तो चौथे दिन वो समोसे में ही ब्रजवासी के जाएगा, कि वो देखो अब जो कुछ हो दो चार ले आओ, और फिर वो अरे सब ऐसे ही चलता है, वो मन पूरा उस समय उपदेश दे करके हमें फंसा लेता है। इसलिए साधक अगर मन को सदैव प्रसन्न रखना चाहता है तो भगवत समर्पित मन होने के लिए भोजन में सुधार करे, अच्छा भोजन पाना त्याग दे। अच्छा का तात्पर्य है स्वाद युक्त, चटपटा ये सब ऐसे सात्विक भोजन पाओ। पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज साधकों की नियमावली में बनाए थे कि एक दाल और एक सब्जी और रोटी और चावल, अगर कढ़ी बनेगी तो दाल हटेगी या सब्जी हटेगी, दो से अधिक नहीं है, रोटी और चावल, और एक उसकी नियमित संख्या हो जाए, चार रोटी अगर चावल है तो इतना, कढ़ी दाल एक बार रखवा लिया, एक बार रख लिया और बस प्रणाम करके भगवत अर्पित करके उसे, बस ये नियम बहुत काल तक चलना चाहिए। अगर हम चार रोटी पाते हैं तो चार ही पाते रहे बहुत दिन तक। अब यहां तो देखे कि कै बच रहे, बोले दो गुलाब जामुन दो लड्डू बच रहे, बोले रुको थोड़ा टहल लेते हैं, फिर टहल के बैठ के फिर उनको दो, तो मन प्रसादा स्थिति को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। थोड़ा सावधान रखिए अपनी जिभ्या को, अपने भोजन पाने के नियम को एक सीमित रखिए। बोले हित परमित भोजी, मन प्रसादा सौमत्यम के लिए हमें चाहिए कि थोड़ा भोजन बहुत बहुत लाभदायक है, थोड़ा भोजन पक्का समझना बहुत आनंद का अनुभव होता है। कभी कभी बहुत गुस्सा आती है इस जिभ्या पे कि पूरा जीवन बर्बाद कर देती है, कभी भजन चैन से नहीं करने देती। देखो थोड़ा भोजन पाओ, जितने से आपको भोजन का ध्यान न रहे, दो बातों में भोजन का ध्यान, अधिक पा लिया तो पेट का ध्यान रहता है कि बहुत, अब वो कैसे पचावे, ऐसे ऐसे सब उपाय करता रहता है, और अगर एकदम आपने कम पाया तो भी ध्यान रहता है कि कितनी जल्दी शाम वाला समय आए कि भोजन, ऐसा उचित स्वाद रहित भोजन बहुत आवश्यक है भजन मार्ग में, बहुत आवश्यक। ये अधिक मीठा चटपटा खट्टा ये वो सब कामोत्तेजना पैदा करता है, कब्ज बनाता है, मन को चंचल करता है, कई तरह के भयानक ऐसे दोष जो हमारी साधना में हानिकारक है, पक्का समझ लीजिए, ये अनुभूत बात कहते हैं। भोजन जितना सरस होगा भजन उतने चौपट होगा, पक्का समझ लो। सात्विक और सरल भोजन, हमने गुरुजनों को देखा है, जीवन हो गया दो रोटी से तीसरी नहीं पाई, दसियों वर्ष उनकी सेवा में रह के देखा, दो रोटी से कभी तीसरी नहीं पाई, जीवन हो गया गुरुदेव को, जीवन हो अपने हाथ से बनाना, और कभी हमने तीसरी रोटी पाते महाराज जी को नहीं देखा, दो रोटी सब्जी बनाया भोग लगाया श्री जी को, और तो अगर तीसरी बनी है तो प्रसाद में बटेगी, आपको केवल दो ही पाते देखा है, शाम की थोड़ा दूध ले लिया बहुत सूक्ष्म, तो आप देखा रात रात भर बैठे रो रहे हैं श्री जी के, कोई पद चल रहा है या तो नाम में डूबे हुए, जब देखते तो हृदय जलता, कैसी रसमय स्थिति, हाय मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है, हम कब इस भाव को प्राप्त होंगे।
ये भोजन बहुत घातक वस्तु है, बहुत घातक वस्तु है। साधक इस बात पर ध्यान दे, ये भोजन हमें मारे डाल रहा है। हमारा जीवन भगवत प्राप्ति के लिए है, और ये आज पा लिया, वो पा लिया, ये गुलाब जामुन, ये लड्डू, ये वो, बस बुद्धि में विचलता, भगवत चिंतन रहित और नाना प्रकार की वासनात्मक खेल की कामनाएं कल्पनाएं, ये भोजन के कारण। बहुत आवश्यक है भोजन सुधारना। भोजन नींव है परमार्थ की। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, तो मना प्रसाद कैसे प्राप्त होगे, क्योंकि आपका भोजन ठीक नहीं है। बहुत सावधान, एक नियमावली भोजन की बना लो। प्रार्थना है, कितना भरोगे, ये पता नहीं कौन से ऐसे पदार्थों से बना हुआ कि इसको कभी तृप्ति ही नहीं होती। खट्टी डकारे आ रही है शाम के, फिर भी वो कामना में लगा है कि आज मूली का पराठा पाया जाए, आज ये पाया। हे भगवान, ऊब गए इस मनी राम से, ऊब गए ये रसेंद्री से, ऊब गए, मरने को हो रहे, दांत खराब है, लेकिन चलो ऐसे भी इसके ऐसे खाओ, ऐसे ये पाओ। बचो इस चाल से, बचो भोजन को। साधक एक नियमावली बना लो आप कि मुझे अगर चावल मिलेगा तो महाप्रसाद मिलेगा तो इतना, सब्जी मिलेगी तो इतनी, दाल इतनी, रोटी इतनी। बस एक बार लेना सीखो, ये बार बार परोसना, बार बार रसोई में। ये उनके लिए जो खूब मेहनत करते हैं, गृहस्थी में है, चलो जैसा विरक्त साधक को या भगवत प्राप्ति के साधक को एक बार थाल में रखवा लेना चाहिए, चार रोटी पांच रोटी सब्जी दाल। इसके बाद राधेश्याम आप अपना कार्य देखें, हमारा पर्याप्त हो गया, हम धीरे धीरे भगवत स्मरण करते हुए पालेंगे। एक बार पाने, हमने देखा है परमहंस महापुरुषों को, संतों को, एक बार में क्या होता है, हम अपने को संयम में रख पाते हैं। एक बार बोल दिया हमें चार रोटी रख दो, ये रख दो, एक दो, बस ठीक चलो जाइए। या तो मधुकरी करते हैं तो अपने अनुकूल प्रसाद। एक नियम बना लो, अगर हम चार मधुकरी पाते हैं, पांच भी नहीं पानी चाहिए, जितना मांगे, एक नियम बना लो, उससे आप विजय प्राप्त कर लोगे इस रस इंद्री पर। यदि मन को सदैव प्रसन्न रखना है, भगवदाकार रखना है, भगवत चरणारविंद के चिंतन में मगन रखना है, तो हित परमित भोजी, आपका भोजन बहुत ठीक होना चाहिए, नियमित होना चाहिए, परमित होना चाहिए, एक नियमावली के अंतर्गत होना चाहिए। पक्का समझ लो, वो नियमावली कई वर्षों तक बराबर एक जैसी चले, देखो आपकी एक अवस्था जाएगी आनंद की। बड़ा आनंद का विषय है ये, भोजन ही हमें परेशान करता है, भोजन ही हमें विषय की तरफ प्रेरित करता है, भोजन ही हमारे हृदय में क्रोध आदि वृत्तियों को जागृत करता है, भोजन ही हमारे अंदर नींद आदि बढ़ाता है। बहुत सात्विक और नियमित परमित भोजन हमें मन प्रसादा स्थिति में निश्चित निश्चित प्रतिष्ठित कर देगा।